द्रोण पिक्चर की शूटिंग यही हुई है, प्रियंका चोपड़ा और अभिषेक बच्चन। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वहां से रानी रानी जौहर करती, यानी उनको मरना होता जब युद्ध में राजा कोई हार जाता है या कुछ कुछ होता, तो वहां से गिर के वो इसमें सुसाइड कर लेती। बॉयस, तो ये देखो दोस्तों 11 शिवलिंग वाला शिव जी का मंदिर, और ये यहाँ पे बहुत ही ऐसा दृश्य जो हम आपको दिखा नहीं सकते, सॉरी बेब। ये रहे थे उस टाइम पे हमारे महाराज, तो उस टाइम क्या करते थे हम यहाँ पे बैठ के आराम फरमाते थे, और यहाँ से सीसीटीवी कैमरा ये सब, तब हम ये चेक कर लेते थे कि रंजीत क्या कर रहा है, विनोद जी क्या कर रहे हैं, कैसे बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है राजा हरि सिंह मार्ग, राजा हरि सिंह मार्ग, और यहाँ पे ये पुराने मकान है, और ये फोर्ट का गेट मुझे लग रहा है श्री श्री माँ आनंदमयी कुचामन ट्रस्ट निजी संपत्ति। तो बात करते हैं और क्या इसको विजिट कर सकते हैं क्या, तो लेट्स सी। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टिकट ली है और एक टिकट की कीमत है 300 रुपये पर पर्सन, है ना। लगता है लोगों की 300 रुपये ज़्यादा है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि हेरिटेज जगह को मेंटेन करना भी एक बड़ी चीज़ होती है, साथ में ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो 300 रुपये तो लगने ही वाले हैं। तो यहाँ पे आप गाड़ी अंदर भी ला सकते हैं, बाहर भी खड़ी कर सकते हैं। ये रास्ता आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा कि यह छोटा सा रास्ता है, लेकिन बीच बीच में आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है, तो वहाँ पे दूसरी जो गाड़ी आती है उससे आप क्रॉसिंग करके निकल जाते। तो यहाँ पे हमने गेट से ले लिए 5 टिकट, 5:30 बजे तक की लास्ट है, यहाँ पे 5:30 बजे बाद आप टिकट नहीं खरीद सकते। एक बार अंदर चले गए तो आप अंदर घूम तो सकते हो, लेकिन टिकट नहीं मिलेगी आपको, है ना। तो अभी हम चलते हैं आगे, आप देखो पेंटिंग और सब चीज़ों का नज़ारा। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपको इस तरह से एक जगह देखने को मिलती है जहाँ पे ये जैसे कि सैनिकों के लिए या अस्तबल के लिए इस्तेमाल होते होंगे, और ये जगह आप देख सकते हो वैसे इसका जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। ये चूना का रहड़ यहाँ पे देखो, चूना के निकालने पहले ये जानवरों से चलता था और अभी ट्रैक्टर से चलाया जा रहा है, और ये आपको इधर बहुत सारी जगह मिलती है देखने को। तो यहाँ पे पुराना फर्नीचर भी रखा हुआ है, उसको रिनोवेट किया जा रहा है, सब चीज़ों को ठीक किया जा रहा है। ये देखो है ना, नटवर जी का मंदिर भी है यहाँ पे लिखा हुआ है, नटवर जी का मंदिर। ये देखो यहाँ से, तो यहाँ पे जाके, तो दोस्तों ये देखो पेंटिंग कितनी शानदार और खूबसूरत पेंटिंग है। ये देखो क्या शानदार पेंटिंग है, और ये दोस्तों देखो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। ये पेंटिंग देखो यहाँ पे कितनी अलग अलग पेंटिंग की हुई है, यहाँ पे देवताओं की मूर्तियाँ मुझे लग रही है जो पेंटिंग है, और कुछ राजाओं की भी है। ये मत्स्य अवतार, ये देखिए एक अंदर इधर कुछ हिस्सा है जहाँ पे भी चमगादड़ों का बसेरा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि रिनोवेट कर देंगे इसको, तो बहुत ही अच्छी जगह हो जाएगी यहाँ पे। और कितना शानदार और अद्भुत है ये, वाह। तो दोस्तों यहाँ पे रैंप बना हुआ है, जीप से भी आप ऊपर जा सकते हो, 700 रुपये जीप के लगते हैं, उसमें 5-6 लोग जा सकते हैं, लेकिन हमने सोचा कि ठंड का समय है, एक्सप्लोर करते करते आगे बढ़ेंगे, तो उसी को चेक कर लेते हैं। और पानी की बोतल ज़रूर लेके आए जब भी आपको फोर्ट पे जाना हो। तो एक जैसी ड्रेस हमें कैसे लग रहे हैं सभी की सभी, वो पीछे रह गया कमेंट करके बताएं। थोड़े दिन में केप चश्मा भी एक जैसा लेंगे, अभी रुको सब्र करो थोड़े दिन, धीरे धीरे बदलाओ, सब्र करो धीरे धीरे बदलाओ। तो ये देखिए दोस्तों नज़ारा, अभी हम कुछ ही ऊंचाई पे चढ़े हैं, लेकिन नज़ारा देखिए आप, पूरा कुचामन सिटी आपको दिखाई दे रहा है, आगे वहाँ पे झील भी है कुछ, और ये अरावली की पहाड़ियाँ, ये नीचे फोर्ट का हिस्सा। तो दोस्तों जैसे ही आप थोड़ा चढ़ते हैं ऊपर, और इस तरह का आपको रैंप देखने को मिलता है, और इस रैंप से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलता है हनुमान जी का मंदिर छोटा सा। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय हो बजरंगबली की, जय हो बाबा की। अब आगे चलते हैं हम, और आगे देखते हैं पंच पोल, ये पंच पोल है, ये हमारे धर्मेंद्र जी हैं जो हमेशा छठे पोल में रहते हैं,
हमेशा अलग ही भागते रहते हैं। इनको 10 बार समझा दिया कि टीम के साथ रहो, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता है। फिर इनके घर वाले इनको डांटते हैं, उसके लिए फिर हम कौन बचा सकते हैं बताओ? कोई बचा सकता है क्या? नहीं बचा सकता। तो धर्मेंद्र जी झुंड के साथ रहे, कहीं खो जाएंगे तो किसकी जिम्मेदारी होगी? आनंद जी लेके गए थे, और ये गणेश जी का मंदिर है यहाँ पे। जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो गणेश जी महाराज की। मेरा नमस्ते। कितना ह्यूज इसका गेट है। वैसे तो हर फोर्ट का इतना ह्यूज होता है, इससे भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन पहाड़ी के ऊपर इतना बड़ा गेट होना बनाना देखने लायक कंडीशन में है। और अंदर देखो रोशनी आ रही है, पेंटिंग अभी भी बरकरार है। मैं चश्मा हटा लेता हूँ, क्योंकि चश्मा हटा के लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। ये देखो चमचेड़ों का बसेरा तो हर जगह हो चुका है, ये चमचेड़े कहाँ से आ जाते हैं? तो ये देखो दोस्तों, जैसे थे वैसे ही पत्थरों को काट के एडजस्ट करके ये सब चीज़ें बनाई गई। और ये देखिए हमारे विनोद जी और टीम बाकी भी आ चुकी है। ये तेज विश्वास डोपा मार रहा, देखो बहुत है पुरानी आत्मा आ रही है के बाहर। तो दोस्तों हम देखो एकदम काफ़ी हाइट पर पहुंच चुके हैं। ये फोर्ट हमसे थोड़े सा और ऊपर है, लगभग इसमें लेयर्स है अलग अलग। वो कितना शानदार नज़ारा है यार, अब लाइटें हो जाए और ये तैयार हो जाए तो क्या लुक आएगा यार इसका। और आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो एक स्विमिंग पूल या पानी का कुंड बोल सकते हो इसको। अब पानी है इसमें देखो, ये देखो। और इधर से भी इसमें जाने का रास्ता है, इधर रैंप से होते हुए आराम से आओ। ये पीने का हो सकता है या स्विमिंग करने का हो सकता है, कुछ ना कुछ इसका अच्छा उपयोग है। बाकी इसे नालियाँ बनी हुई है इससे पानी आने के लिए, यहाँ पे कोई हथियार चलाने के लिए आर्मी फौजी यहाँ पे बैठ सकते थे सुरक्षा के लिए। बाकी जो हर किले में आपको देखने मिलते हैं ये झरोखे, जहाँ से हथियार चलाना आसान होता है। नीचे से कोई हथियार चलाएगा तो आपको लगेगा नहीं। पांच गेट सर था ये सुरक्षा वास्ते बनाया था कि पहला गेट ने मान लो हाथी तोड़ दिया, दूसरा मान लो हाथी ताकत को लागे। अच्छा, ये हो मीना मार्केट, मतलब राजा के मार्केट लाल की दुकान लाती। अच्छा, और ये हाथी घोड़ा जानवर होता है ना, बंगले पानी स्टॉक कर रही बरसात को। अच्छा, वो बरसात को पानी हाथी घोड़ा के लिए, घोड़ा जानवर होता है ना, बंगले पानी को स्टॉक। ओहो, वाह वाह वाह, इधर तो अलग ही है भाई साहब, इधर तो अलग ही है, हमने देखा ही नहीं है। तो ये जानवरों के लिए स्टॉक है, ये जानवरों के लिए। वैसे बाकी ऐसे स्विमिंग करके नहा भी सकते हैं ऐसे, वो अलग है सर, आगे चलेंगे आगे स्विमिंग को। अच्छा, ये जानवरों के लिए सारा चल में, कि वो उधर से आगे पी ले है ना, बाल्टी से काट के वो खेली बना दी उसमें। खेली उसमें, अच्छा काट के भरना पड़ता है बाल्टी से। अच्छा अच्छा, 30 फुट, ओहो भाई साहब पहाड़ के ऊपर 30 फुट पानी है। और आगे देखो कितना अद्भुत नजारा आ रहा है। जो यहाँ का प्रथम राजा जालम सिंह गढ़ की नींव लगाई, जालम सिंह आई किला 7 पीढ़ी से बना पीढ़ी बाई पीढ़ी। अच्छा, ये पूरी मारवाड़ है जोधपुर रियासत के नीचे। अच्छा, ये जागीदारों सिर मोर है, जागीदारों राजस्थान में। अच्छा, ठीक है। लास्ट तो, राजा हरि सिंह जी ने राजा पदी दी डी जोधपुर दरबार, हरि सिंह जी जो नीचे हरि सिंह मार्ग लिखा हुआ है। हाँ, वो लास्ट राजा हरि सिंह जी ने राजा पदी दी डी, बाकी जागीदार रहे। ठीक है, तो आपको शुभ नाम? दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह जी, तो चलो दुर्गा सिंह जी थे मारा घुमाओ धनी, चल आप आगे देखा तो टिकट दूंगे मैं। ये लो पांच जना की मांगी टिकट, मान देंगे बढ़िया से। हाँ, चलो आराम विजिट करा दो। ये मीना बाजार, ये मीना मार्केट। तो दोस्तों ये मीना मार्केट, यहाँ पे दुकानें लगती थी पहले है ना, राजा की। अच्छा मार्केट है। तो दोस्तों ये है मीना मार्केट, यहाँ पे दुकानें लगती थी। बीच बीच में देखो छोटी छोटी सीढ़ियाँ कितनी सुंदर सुंदर लग रही है। अच्छा, यहाँ पे शिवजी मंदिर है। अच्छा, वो 11 शिवलिंग वाला यहीं पे है मंदिर, मैंने सोचा और कहीं। ओहो, जय हो, जय हो शिवजी महाराज की, जय हो। तो ये देखो दोस्तों 11 शिवलिंग वाला शिवजी का मंदिर, ये कहाँ कहाँ है और दुनिया में है क्या और कहीं? हाँ, और 11 है तो 11 इसका स्टोरी क्या है थोड़ी सर, कहानी इसकी? 11 शिवलिंग अलग अलग राजा की लाइडी है। अच्छा ठीक है, अलग अलग राजा की लाइडी। और ये नीचे अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल वो यही है वो नीचे। अच्छा, अंडरग्राउंड है इसके नीचे स्विमिंग पूल, नीचे अंडरग्राउंड लेडीज स्विमिंग पूल। अच्छा, लेडीज स्विमिंग पूल। अच्छा अच्छा, अंडरग्राउंड ना है जो गुप्त रास्ता ना। हाँ, ये रास्ता से जड़ चढ़ गया। हाँ, वापस नहीं आना, वो सुरंग आ रही है ना ऊपर से। अच्छा अच्छा अच्छा, महल से इधर सुरंग से आते थे
और यहाँ पे जल चढ़ा दे शिव जी के और वापिस इसी रास्ते से पर्दा, बिल्कुल बिल्कुल ला जाओ। अच्छा लाइट चाहिए, कोई लाइट चाहिए आगे लाइट है। ये देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है रैम स्लिपरी है, यहाँ पे कार्ली होल्ड द रॉक्स के आराम से आपको चलना है और पकड़ के चलना है वरना सीधे जाके ओहो दोस्तों इसको थोड़ा संभाल के आपको चलना पड़ता है और उसमें लगाए हुए थे बीच में, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ता है। और ये हम जा रहे हैं अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल में। ओहो तो दोस्तों यहाँ पे देखो आवाज मत करो। तो यहाँ पे अभी देखो थोड़ी चमचड़ों का बोलबाला है, लेकिन यहाँ पे है स्विमिंग पूल। जी हाँ दोस्तों ये देखो स्विमिंग पूल पूरा एकदम, आपको यहाँ पे नीचे उतरने का सिस्टम है, पानी है इसमें पूरा एकदम तरीके से भरा हुआ, और आगे भी कुछ पोडियम टाइप से कुछ है कपड़े चेंज करने के लिए और वापस निकलने के लिए। यहाँ से वो जो भी ऊपर दिखा रहे थे अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल यही है। ये कितना गहरा है सर? 30 फुट। नहीं ये कितना, ये अलग है, ये भी पहाड़ पे देखो पानी, ये पहाड़ पे जो फोर्ट में जो बरसात होती है उसी से इकट्ठा होता है और उसे इकट्ठा होके ये 5 फुट पानी है आराम से। जी सर आराम से अच्छा वरना तो लॉकडाउन से पहले यूज होता था, उसमें कौन रहते थे पहले? चलते गया नहीं, जैसे लॉकडाउन से पहले कौन आते थे? हम कोई भी ना सके, अभी तो चालू हो कोई ना, ये तो जो कृष्ण भगवान को अपने कपड़े लगाने जा पेंटिंग बना रही है और जो अच्छा टाइम में भी बात की ना गाड़ी पहले राजा महाराज टाइम तो चूना को फर्श को छत को पानी आता जी सर। और जो ये द्रोण पिक्चर बनी है उनका छोटा सी वचन वो यही बनी है द्रोण। अच्छा द्रोण पिक्चर यही बनी, द्रोण पिक्चर की शूटिंग यही हुई है, प्रियंका चोपड़ा और अभिषेक बच्चन। बिल्कुल बिल्कुल सर द्रोण, हाँ मैंने देखी है। और यहाँ पे देखो पेंटिंग देखो यहाँ पे सर। तो अभी सर जो बता रहे हैं कि ऐसा राजस्थान में कहीं भी पहाड़ी के ऊपर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल कहीं नहीं है, इतनी ऊंचाई पहाड़ी के ऊपर अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल पूरा एकदम बंद, एकदम क्लोज और कुछ खास लोगों के लिए। चलो सर देखिए दोस्तों दीवाने खास, दीवाने खास यानी जो राजा के खास मंत्री होते थे उनकी मीटिंग यहाँ होती थी। दीवाने आम जनता से होती है सबसे नीचे। अच्छा वो नीचे होती थी। अच्छा ये पंखा है देखो पूरा, इसे रस्सी बांध के और इसे हिला दे तो हवा चलती है। ये लास्ट राजा हरि सिंह जी, ये लास्ट राजा हरि सिंह जी है। आराम से आराम से, ग्लास भी हो सकता है। तो ये क्या है सर? शादी का कुछ प्रोग्राम उसका,
और जो लेडीज होती है लेडीज ऊपर का झरोखा में देखती, जो मिट्टी होती है तो ऊपर झरोखा बना रहे वो लेडीज ऊपर से देखती। अच्छा, और अभी डाइनिंग हॉल बना रहे काम चल रहा है। तो यहाँ से लेडीज ऊपर से देखती थी झरोखे में जो मीटिंग होती है खास मीटिंग, तो उसको देखती थी। और ये देखो शीशा, इधर कलरफुल कांच का यूज हुआ है। ये क्या है? जोर को मतलब जल जोर अंजर दो है ना, ये है जल का और चित्तौड़ा अग्नि का आग का। ये मान लो युद्ध में राजा खत्म हो जाता है, उनकी रानी बस्ती ऊपर से कूद के सत्य होती दूसरे राजा लेके नहीं जाए सब दूर चारा लेकर ऊपर जरूर बैठा। ये देखो दोस्तों कितना गहरा है, यानी वहाँ से रानी जौहर करती, यानी उनको मरना होता जब युद्ध में राजा कोई हार जाता है या कुछ कुछ होता, तो वहाँ से गिर के वो इसमें सुसाइड कर लेती। सॉरी, महादेव जी के मंदिर में जाने के लिए यहाँ से ये सुरंग होते हुए, ये यहाँ होते हुए और यहाँ पे ये माता जी का मंदिर, और यहाँ होते हुए वहाँ पे वो शिव जी का मंदिर, वो लास्ट वो सफेद वाला इधर ग्यारह शिवलिंग वाला। तो ये अंडरग्राउंड ही चलता था सर, है उसके होते हुए यहाँ ऐसे। ये क्या है? प्रीतम निवास कॉम्प्लेक्स। ये पत्थर लाल पत्थर, अच्छा ऊपर ध्यान आ जाओ। अपन गोल्डन मैन में जा रहे बैठने के लिए रंजीत बैठ, फीलिंग तो ले। ओ है, क्या फीलिंग है, धर्मेंद्र जी बैठ रहे। तो दोस्तों ये देखिए राजा अपनी रानी से बातचीत कर रहे हैं, और ये सेविकाएं दासियां यहाँ पे बैठी हैं, और ये राजा इधर रानी के साथ, लेकिन ये थोड़ा सेंसिटिव वो मतलब सेंसिटिव मामला दिखा नहीं सकते ज़्यादा। और ये इधर स्विमिंग पूल में नहाया जा रहा है इधर, और ये डांस डूंस नृत्य नृत्य चल रहे हैं। और ये यहाँ पे बहुत ही ऐसा दृश्य जो हम आपको दिखा नहीं सकते, सॉरी बेप। और ये यहाँ पे कुछ खुश हो गया राजा ने, दान दे दिया या कोई गिफ्ट दे दिया। तो ये देखिए पेंटिंग कितनी शानदार, क्यों नहीं दिखा सकते, सेंसिटिव मामला है। तो आज यूट्यूब पे नहीं जा सकते ना, फैमिली यूट्यूब चैनल हमारा। ये देखो स्विमिंग पूल, और चलो आगे चलो, यहाँ पे छोटी छोटी ये चीजें होती थी। सिख गए हो तो चला गया। तो राजा रानी यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं भैया, ये यहाँ पे थोड़ा सा रोमांस का सीन है। यहाँ पे पेंटिंग देखो रोमांस की कैसी पेंटिंग है। ओए होए होए, ये जगह इतनी गजब होती है कि यहाँ पे हवा है ना नेक्स्ट लेवल हवा आती है। वाह 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 वाह, क्या जगह यार, पूरा एक एक चीज का डिटेलिंग यहाँ से दिखाई दे रही है। वाह दोस्तों देखो कितना खूबसूरत नजारा है, ऐसे पूरा ऐसे लगता है दो आंखों के बीच में देखने की दूरबीन जैसे हो, दूरबीन टक। तो सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मलिक। अब्दुल मलिक, तो कैसा लग रहा है सर आपको फोर्ट? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग। तो आप रहने वाले कहाँ के सर? हम रहने वाले यहाँ पे कुचामन के, कुचामन के। तो आप पहले कभी आए हैं यहाँ पे? हाँ बचपन में जब इतना छोटा था मैं। इतने छोटे थे तब आए थे, और अभी आज आ रहे हैं। तो उस टाइम में टिकट लगती थी क्या? 19 साल के बाद मैं आ रहा हूँ। 19 साल बाद अभी हम लोग लंदन में रह रहे हैं। अच्छा लंदन में रह रहे हैं 17 साल से। तो ये मतलब 19 साल पहले आए थे तब टिकट लगी थी, आपको याद है कि कोई? फ्री में आए थे। फ्री में आए थे, अभी टिकट लगने लग गई। चलो तो अभी आप लंदन रहते हैं? अभी आप यहाँ पे घर पे घूमने और परिवार से मिलने? वाह वाह क्या बात, कितने साल बाद में आए लंदन से? 19 साल बाद गाँव में आया हूँ। 19 साल बाद में गाँव आए लंदन से? 17 साल हो गए लंदन जाके। अच्छा बम्बई में घर है? अच्छा मुंबई में घर है। वाह सर क्या बात, ये मेरा बेटा कैफ। वाह ये छोटा वाला यूसुफ, ये यूसुफ, ये कैफ है ना, ये मेरी मिसेस। अच्छा ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो सर मस्त है फोटो है ना, ये मैंने ले लिया रिकॉर्डिंग। खतरनाक सीन हो यार, दे दो सब यहाँ से पूरा गाँव।
वाह, एक और जरो का देखो दोस्तों, कितनी छोटी सी खिड़की है। कुछ नहीं, ये देखो शिकार का सीन, जो शेर ने आग से लगा रहा है, ये शिकार का सीन है, ये शिकार का है दोस्तों। ये पेंटिंग है क्या? उसी टाइम की पेंटिंग, उसी समय की पेंटिंग है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, ओरिजिनल की पेंटिंग। ये देखो शिकार हो रहा है यहाँ पे, और ये आग से शेर को डराया जा रहा है, ये इसको जाल में फंसाया जा रहा है। और ये नीचे भी एक देखो, शेर ने आक्रमण कर दिया है किसी पे, और इसकी सेना पूरी लगी हुई है इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए। और इधर भी देखो आप, ऊंट, क्या बात है, क्या बात है सर, वाह। ये नृत्य नाच का प्रोग्राम, इधर डांस चल रहा भैया, ये देखो डांस। हम आपको वो वाले व्लॉग तो नहीं दिखा सकते जो एकदम सिनेमैटिक हो, तो आपको रफ फुटेज चीजें दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हो शानदार तरीके से। इसके अंदर देखो आप, चित्रकारी के अंदर गहराई से देखो आप, ये नहीं मालूम आपको, देखो ओ हो, ये शूटर बैठा, ये शिकार कर रहा है, ये शूटर ये शिकार कर रहा है। अगर गहराई देखा तो फूल पत्तियां हर, आपको वैसे तो ये डेकोरेशन अच्छा लग रहा है, फूल पत्तियां दिख रही है, लेकिन उसको अंदर से आप देखोगे तो यहाँ पे एक शूटर बैठा है। कहाँ? ये जैसे ये गन चला रहा है, यहाँ पे कोई जीव है इसके ऊपर ये निशाना बांध रहा है, ये बांध रहा है। ये देखो ये इसके ऊपर कर रहा है, इसके मगरमच्छ क्या कुछ है ये इसके ऊपर। मेन गेट यहाँ से एंटर हुआ, वहाँ से एंटर गेट, वो देखो वहाँ से वो एंटर गेट हुआ है ना, वो दिख भी रहा है वैसे। और ये देखो दोस्तों जहाँ से हम एंटर हुए हैं, मैं आपको जूम कर दूँ, थोड़ा टेप कर दूँ सॉरी। और ये जो बीच में आप देख रहे हो, यहाँ से हम आए थे, गाड़ी देखो नीचे, यहाँ पे पेड़ पौधों के बीच में गाड़ी खड़ी गई, और यहाँ से हम चढ़ते हुए इतनी ऊंचाई तक पहुँच गए। ये देखो रास्ता, नीचे जो रैंप का बना हुआ है, ये देखो क्या बात है भैया, ये देखने के लिए है कि मेन गेट पे कौन आया। हाँ, मेन गेट पे कौन आया, देखो यहाँ से सीसीटीवी, ये सीसीटीवी डायरेक्ट सीसीटीवी कैमरा है यहाँ पे, राजा को पता चला मेन गेट इस तरह से शूट किया गया है, बनाया गया है इसको, यहाँ से आपको पता चल जाए। और यहाँ पे भी देखो युद्ध का पूरा, या कोई लड़ाई का, या कोई खेल का, कुछ गणगौर का मेला है, गणगौर का मेला लग रहा है, इसकी सोनी करती ना, ये गणगौर का मेला है। वाह वाह सर, गणगौर का मेला, बाय करो, रिकॉर्डिंग चालू है। तो विनोद जी, आज अपने यहीं पे अपन मीटिंग करते हैं, ठीक है सर? तो जैसे कि परिस्थितियों को देखते हुए हमें किस राज्य के ऊपर हमला करना है? नहीं सर, अपना किस राज्य से अपने दोस्ती बढ़ानी, अपन को किस राज्य की एसईओ की प्लानिंग ठीक करनी है, ताकि वो थोड़ा लोगों को दिखे, यूट्यूब। तो ये हमारी टीम पूरी राज दरबार बैठी है, ये दीवाने खास है, स्पेशल चौकी आजम है, चौकी बैठे ये हमारी टीम के वीडियो शूटर, एडिटिंग डिपार्टमेंट के इंचार्ज राजाओं के उस 1717 में भी ये एडिटिंग चलती थी। और ये देखो ये जो पिक्चर्स हैं, इनकी एडिटिंग इनकी की हुई है, सब ने एडिट की है। हाँ सर, और बताएं क्या करते हैं आप? और ये सारा डिजाइनिंग देख रहे हैं ना? हाँ ये मेरी कोरल में डिजाइन की हुई है। चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, और आगे अपने दूसरे दीवाने खास बैठे हैं, और इन्होंने रील्स से ना, ये रील्स देख रहे हैं आप, ये इन्हीं की बनाई हुई है। अच्छा, ये रील्स स्क्रीनशॉट लेके, ये रील्स मेरी बनाई हुई है, बहुत सारी मेरी राजा महाराजाओं के ऊपर मेरा वैसे राइटिंग का काम रहता था। अच्छा 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 अच्छा, तो ये कवि थे, कवि थे, राइटर थे। एक बार इन्होंने क्या राजा के खिलाफ थोड़ा सा कुछ ऐसे लिख दिया, तो राजा ने इनका मुंडन करवा दिया। मैं उसी टाइम से बाला बनाओ। ये रहे थे उस टाइम पे हमारे महाराज, जो तो ये दोस्तों ने महाराज तो बना दिया, तो अब मैं बोल देता हूँ क्या बोलना है जो है ना। तो उस टाइम क्या करते थे हम, यहाँ पे बैठ के आराम फरमाते थे, और यहाँ से हम सीसीटीवी कैमरा यही सब, तो हम यही चेक कर लेते थे कि रंजीत क्या कर रहा है, विनोद जी क्या कर रहे हैं, कौन आ रहा है द्वार पे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। हमारे ऑफिस में वैसे भी कोई ज्यादा लोग आते नहीं थे, क्योंकि हमारा भय था, डिजिटल का काम, वैसे डिजिटल हमारा काम है, तो कंटेंट हम बैठ के क्रिएट कर लेते हैं, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। और ये हमारे देखो एक बताते हैं आपको, ये बंदूक दीवाने छेल थे, ये अपने चश्मे में वैसे डोबे में बावड़े हो रहे हैं, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंदर अंधेरा है, ये ऐसे चौक में बावड़े हो रहे हैं। तो ये क्या करते थे, ये इधर उधर कोई बंदर आ जाए, आत्माओं के साथ, ये बाबा और कुड़ी सी महाराज, और हमें कौन नहीं जानता है, दर्शक हमें पहले से जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं। ये वैसा हमें आज इस दुनिया में वापस लेके आए कि आपको वापस आपकी दुनिया में लेके चलता हूँ। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें
जो पहचानने का मौका दिया, थैंक यू। राठौड़ा की कुलदेवी ये है नागनेची माता का मंदिर। जय हो माता जी, जय हो जय हो। ये देखो भैया बड़ा मंदिर तो ये नागने राव है ना। अच्छा अच्छा, वहाँ पे यहाँ पे ये मंदिर ही का परिसर था, फूल पौधे ऐसे करके ऐसे होते थे ना। दोस्तों देखो गुप्त गुप्त दृश्य है इस दृश्य में। इतने किसी महल को मैंने नहीं देखा। मैंने बहुत सारे जूनागढ़ मेहरानगढ़ पता नहीं कौन कौन से गढ़ देख लिए, लेकिन इसे इतना अंदर डिप में जाके वहाँ पे क्या होता है हर रास्ते को बंद कर देते हैं। यहाँ पे लगभग सभी रास्ते खुले हैं, पूरा खुला है। हाँ तो ये दोस्तों है शतरंज चेस खेलने का। देखो ये हमारा हाथी है, ये हमारा ऊंट है, ये लंगड़ा घोड़ा है। तू क्या सिपाही? ये देखो कैसे चल रहा है, देख 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 देख। अरे सारा ही कुछ लंगड़ा लंगड़ा यहाँ ऊंट से लाके आ जाओ, इसको ध्यान रखो ऊपर। आपको दिखाते हैं शीश महल भाई जी, कमर को तो एकदम एक्सरसाइज पूरी जाए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अपने जो थानो है, ये थानो इस साइड तो काल कोटली है, मतलब बड़ा पानी गड़ा पानी खड़े कर देता आदमी। मरना दो तरीका, ये तो अपना पैर भर दिए खड़ा खड़ा, ये अपन नींद आई 24-36 घंटा आदमी गिरे और खत्म। और ये चक्की जो मरे फिल्म आवेजन, ये चक्की है कैदियों से जेल में आटो पिसाने के लिए, अपनी चमका दड़े थोड़ी रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर चल रहे हैं। इसमें यानी इधर के था पुलिस चौकी थी एक तरह से पहले की जमाने की, और आपको लेके चलते हैं हम स्पेशल जगह पे शीश महल में। कांच का श्रृंगार, दोस्तों इसको हाथ आप टच नहीं कर सकते, शीशा खराब हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे वीडियो बना सकते हो। ये शीश महल है कांच का बना हुआ। लाइट करो रंजित, लाइट करो, लाइट करो रंजित, मोबाइल से लाइट करो थोड़ी। ये दोनों शर्ट चेंज ही हूँ कपड़ा चेंज करने वास्ते। ये चार धाम बनाने में चालू धाम से चेंज करेंगे, दो तीन। देखो विनोद जी, देखो देखो ये कौन सा धाम है इधर, देखो पूरा एकदम धाम बना हुआ है, जो भगवान के मंदिर मंदिर है। नदी किनारे पे अपने बसे हुए हैं, ये भी देखो इधर। वाह ये रानी की फोटो देखो इधर एक, वाह एकदम पूरे एकदम बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और ये हमारे धर्मेंद्र जी महाराज अंदर जा रहे हैं अंदर। लाइट रो विनोद जी, लाइट रो मगर नहीं चलो रहा दे। ये प्रेम प्रसंग फरमाया जा रहा है इधर भैया। ये इधर राजा जा रहे हैं अपनी झांकी को लेके, बहुत ही शानदार और अद्भुत। ये शतरंज खेल रहे हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे राज दरबार में मीटिंग सीटिंग चल रही है भैया। मीटिंग सीटिंग फॉलो करें meetingsitting.com को, और मीटिंग सीटिंग पे आप जाए यूट्यूब चैनल मीटिंग सीटिंग। चलो हवा महल में चलते हैं अपन दोस्तों। दोस्तों आप बोलेंगे कि भैया ये क्या दिखा रहा हो, लेकिन देखो पुराने जमाने में बाथरूम ऐसे होते थे, आप समझ जाओ बस। चलो आपको लेके चलते हैं हवा महल में। भाई साहब इधर उधर एक के अंदर एक, एक के अंदर एक चीजें घुसी हुई है, और बहुत ही अलग ही माहौल लग रहा है मैं तो। वाह वाह, अरे भाई रे, ओहो हो क्या हवा आ रही है। ओहो भाई जी हम तो यहीं बैठेंगे भाई, देखो वाह वाह। अच्छा ऊपर चलेंगे और ये हवा मेरे की चट्टाई लगा था, चट्टाई को भिजो था, और इसमें पानी भरता था, इधर से आती ना ठंडी आती, कूलर बना डाले चूल्हे। अच्छा नेचुरल कूलर, आज की एसी फेल है, वो कि वाकई में फेल है, क्योंकि यहाँ पे हमें लिटरली हवा महसूस हो रही है बहुत ही अच्छी तरीके से। और यहाँ से जो हवा आती थी, यहाँ पे चटाई लगा दी जाती है, उसको भिगोया जाता, पानी रहता है यहाँ पे, और यहाँ से हवा अंदर जाती है एकदम चिल्ड। तो ये हवा महल लगा है, मुझे बढ़ जा मोबाइल हूँ। वाह ये दोस्तों देखो कितनी गहराई है, भाई नीचे गए गए।
तो दोस्तों ये है हवा महल, यहाँ पे देखो पूरा शीशा विशा पहले के समय के लगाया हुआ, यहाँ पे एक बेड भी है सुंदर सा, और यहाँ से जो हवा आ रही है ना भाई साहब, नेक्स्ट लेवल की हवा आ रही है, आप उसको फील भी कर पा रहे होंगे साउंड के साथ में, तो बहुत ही गजब, मतलब नेचुरल ऑटोमेटिक हवा आ रही है यहाँ पे, कुछ नहीं करना पड़ रहा है। गेट देखो यहाँ पे अपने आप टकरा रहे हैं, और ये देखो एक रूम पूरा एकदम बाथरूम बना हुआ यहाँ पे, और ये यहाँ पे पूरा नल वल लगाया हुआ है, देखो ये तो बाद में ही एडिट हुए हैं, लेकिन उसी को ज्यादा मूल रूप को छेड़ा नहीं जाके उसी को नेचुरल रूप को रखा गया है, और इधर बाथटब भी है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपने रास्ते में चूरू किलो जिम चांदी का गोला चला डाला, लास्ट में गोला खत्म गया ना, तो चांदी का चला डाला चूरू का माइन। ये देखो गोले भाई साहब अभी पड़े हैं, पत्थर के गोले, तोप के गोले हैं ये, चूना पत्थर यार, चूना नहीं पत्थर के हैं, कोई ग्रह हो, ग्रह जैसे लग रहा है एकदम पूरा एकदम भाई जी। देखो लुक देखो, इसको ये हमारे बाला के एकदम डिजाइन में लग रहे हैं पूरे एकदम। ये धोनी बाबा को मंदिर है, सबसे पहले बाबा के आसरा से किला बना है, ये प्रथम राजा जालम सिंह ने 7 पीढ़ी का वरदान दिया, 7 पीढ़ी यहाँ का वंश चला है, तो इसके ऊपर छतरी पे नहीं जाना होता, इस बाबा के आसरा से किला बना, करमाती बाबा की है। अच्छा, इसी की मेहर से बने, ठीक है। आगे सैनिक एरिया जितना भी सैनिक, सैनिक आगे चलो सैनिकों के एरिया में चलते है अभी, की ऊंचाई से वो देख रेख करके वहाँ से घोड़ा फारूद फेंकने के लिए होती थी। तो ये तोप चलाने के होते थे भैया यहाँ पे बड़ी वाले नाले, ये बंदूक चलाने के जिसे मैंने पहले बताया था आपको, बड़े वाले तोप के लिए, छोटे वाले बंदूक के लिए, और यहाँ पे सैनिक रहते थे। ये अंडरग्राउंड सुरंग गुप्त रास्ता, कहाँ कहाँ जाते हैं पता नहीं, वो तो पता नहीं साहब, अंदर जाएंगे तो पता चलेगा, लेकिन चमचाड़ खा जाएगी। ये पानी का कुंड, ये पानी का कुंड है, वो आगे भी पानी का कुंड है, ये सैनिकों के पीने के लिए, सैनिकों के पीने के लिए, मान लो दो साल के बस्ता ने काल पड़ गया, युद्ध हो गया, बनवाई गमाई घेर लिया, बाहर नहीं जाते, ये सब। ओहो पानी बंद, हम्म, सात पीढ़ियां बनी है विनोद जी, 50-50 साल भी ले चलो तो दे, 350-400 साल मान लो विनोद जी, 350-400 साल मान लो। आनंदराज 24 पे अच्छे अच्छे सीन देख रहे हो ना, उनका बिहाइंड द सीन आप देखो, कैसे बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाने पड़ते हैं, वीडियो शूट हो रहा है, पीछे एक टीम के मेंबर ने पकड़ रखे हैं कि कोई हवा के झोंके से शूटिंग करने वाले गिर न जाए। देखो कितनी बड़ी मस्कत, बड़े बड़े हाथी और बड़े बड़े ऊंट जकड़ के रखा है कैमरामैन को कि उड़ न जाए। तो आप जो इंटरटेनमेंट मजे ले रहे हो ना, इनके पीछे बहुत मेहनत लगती है, तो प्रोत्साहन बना रहे, लाइक शेयर कमेंट आते रहे दबा के, तो चीजें और अपडेट होती रहेगी। तो दोस्तों मैंने टी शर्ट चेंज कर ली है, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो और रील बनाने थे, इस चक्कर में मैं एक्स्ट्रा टी शर्ट लेके आया था, थोड़ा पसीना भी इससे गड़बड़ हो गया था। और यहाँ पे जो जगह देख रहे हो ये सैनिकों के लिए जगह थी, यहाँ पे सैनिकों के लिए कोठरियाँ बनी हुई थी, गोला बारूद हथियार रखने के लिए, और ये नीचे आप जो देख रहे हो यहाँ पे पानी का टैंक है, और इस नालियों की पानी बहता था और आगे जाके और एक टैंक है उसमें जाता था, तो बहुत ही सुंदर और अद्भुत नज़ारा इस फोर्ट का है। मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस तरह के फोर्ट को आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए, बहुत ही शानदार और गजब गजब की लोकेशन है, क्योंकि अभी तो इसमें होटल का रिनोवेशन चल रहा है, तो इतना स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप इधर नहीं जा सकते उधर नहीं जा सकते, तो आपके लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है, लेकिन थोड़ा सावधानी बरतने की जगह है, क्योंकि कुछ जगह खंडर हो चुकी है, कुछ जगह चमगादड़ों से भरी है, कुछ पानी की कुंड है इसमें बहुत ज़्यादा, तो उन कुंडों से थोड़ा सावधान रखनी चाहिए, शरारत नहीं करनी, आराम से रिलैक्स तरीके से आपको चलना है, और घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है,
बारिश के दिनों में स्पेशली घूमने आएंगे तो आपको हरियाली देखने को मिलेगी पहाड़ पे भी, और इन पेड़ पौधों को देख कर भी आपको अच्छा लगेगा। ये जो दीवारें हैं उनमें से भी आपको थोड़ा नमी और ठंड जैसा एहसास होगा। और हमारी टीम के सदस्य देखो वहाँ पे ऊपर जाके हम आए थे, तो ये बाकी के लोग यहाँ से उतर रहे हैं और उधर से आ रहे हैं, और ये हमारा रंजीत देखो कहाँ चढ़ चुका है, यहाँ पे देखो रंजीत तो पूरा एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों टीम देखो मेरे पास पहुँच चुकी है, और आप सभी को कैसा लगा यहाँ पे? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, शानदार, आना चाहिए यहाँ पे जगह पे। ऐसा किला पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, बहुत शानदार, बिल्कुल। और होटल बन जाएगी तो अगर थोड़ा हो जाएगी तो फिर वो भी बाबा की व्यवस्था हो जाएगी, तो बाबा की कृपा से सब कुछ हो जाएगा बढ़िया। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ठोको ठोको ठोको, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा, शेयर भी कर दो इसको, जिससे कि आपको ऐसे ही गजब की चीजें हम और दिखाते रहे, मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, क्यों ये चैनल धमाल मचाने वाला है आप लोगों के साथ और आप लोगों के प्यार के साथ। और बेल आइकन को क्लिक कर देना, नहीं घंटे को जरूर बजा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, टाटा बाय बाय। ये घंटा बजा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, किधर है? अच्छा, ये घंटा है क्या इधर? ओके ओके, बाय बाय बाय, ओके बाय।